हेलो एवरीबॉडी वेलकम टू अर नेक्स्ट सेशन ऑफ वर्ल्ड फोकस सीरीज इन विच वी आर अबाउट टू डिस्कस महात्मा गांधी थॉट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी जिस सीरीज में आज नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द सोशल आइडियाज ऑफ महात्मा गांधी गॉट इट सो महात्मा गांधी का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है नॉट ओनली इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया बट टू द होल ह्यूमैनिटी वो कभी भी कम नहीं आका जा सकता स्केल नहीं किया जा सकता डिफरेंट स्कॉलर्स आर स्टार्टिंग राइट नाउ डिफरेंट स्टूडेंट आर अप्रोचिंग द गांधी मॉडल ऑफ सोशल सिस्टम या उनका जो एजुकेशन सिस्टम था या उनके जो पॉलिटिकल आइडियाज थे ठीक है तो आज हम जानेंगे नेक्स्ट महात्मा गांधी सीरीज में ठीक है सोशल आइडियाज ऑफ महात्मा गांधी में वी आर वी बिकम अवेयर अबाउट द फैक्ट दैट दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल इवल्स एग्जिस्ट इन द सोसाइटी जब अगर, ऐसी बहुत सी ऐसी बहुत सी बुराईया बहुत सी थी समाज में जिन पर, जिनको समाज से उखाड़ना जिनको समाज से पूरी तरह से निकालना बहुत ही जरूरी था ठीक है तो एक एक करके उन्हीं पे हम बात करेंगे और आज का सिग्निफिकेंस भी समझेंगे कि क्या उनका आज रेलिवेंस है तो वेरी फर्स्ट पॉइंट इज द अनटचिलिटी सो द अनटचबिलिटी इज कंसीडर रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट बोल्ट ब्लॉट ऑन हिंदुइज्म वी नो दैट कास्टिज्म इज डीप रूटेड इन इंडियन सोसाइटी ठीक है और कहीं ना कहीं हिंदुइज्म का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक समझा जाता है माना जाता है उसमें हम कह सकते हैं जो दुर्व्यवहार जो मिसबिहेव अनटचचेबल्स के साथ होता रहा है फॉर सच ए लॉन्ग टाइम ठीक है उसको नकारा नहीं जा सकता द फैक्ट कैन नॉट बी डिनाइड टर्न द पेजेस ऑफ हिस्ट्री वी कम टू नो दैट कि हमेशा ही जो अन टचेबल्स थे उनके साथ इस तरीके से बिहेव किया गया एज दे आर नॉट द ह्यूम दे आर अ डिफरेंट स्पीसीज देन द सुपीरियर पीपल और दीपल ऑफ द सुपीरियर कास्ट देवर कॉन्टिन्यूसली मिसबिहेवड इन द सोसाइटी एंड बिकॉज ऑफ दैट जो कॉन्फिडेंस जो उनका था वो कभी बन ही नहीं पाया लाइफ में टेंड द सोशल फंक्शन विद फुल ग्रेस दे के नॉट एंटर द टेम्पल्स जो उनके फे जो उनका विश्वास है बिलीफ वो भी नहीं वो पूरी तरह से अच्छे से कर सकते हैं उनके साथ अगर गलती से कोई छू दे उनको तो बड़ा ही इस तरीके के रिमार्क्स पास कर दिए जाते थे विच इज नॉट एक्सेप्टेड बाई एनी वन

आज जो हमें देखने को मिलता है तो ये पूरे अगर हम इतिहास देखेंगे तो हमें पता चलेगा तो प्यूरिफिकेशन रिक्वायर्ड इज नॉट ऑफ बट ऑफ द सो सुपीरियर कास्ट दिस इज महात्मा गांधी से कि एक्चुअल में जो प्यूरिफिकेशन uh, की जरूरत है वो लोअर कास्ट या अनटचेबल्स को नहीं है बेसिकली इट इज फॉर द सुपीरियर पीपल दोज आर दोन ठीक है सो so, बहुत अच्छी बात यहां कही महात्मा गांधी ने दर इज नो वाइस दैट इज स्पेशल टू द अनटचेबल्स नॉट इवन डर्ट एंड डिटेशन इट इज अर एरोगेंट विच सुपीरियर हिंदूज टू आर ऑन ब्लमिश एंड विच मैग्निफाइज दोन टूर्डन ब्रेदर इन इट्स अ काइंड ऑफ साइकोलॉजी कि भाई जो लोअर कास्ट में है अनटचेबल है उसके uh, के साथ मिसबिहेव किया जाए समाज में इट इज कमिंग फ्रॉम एजिस टू एजेस इट इज नॉट लाइक दैट की आज ऑफकोर्स कमी आई है पहले से तो बहुत कंपेरिजन में कमी आई है बट स्टिल इट एक्सिस्ट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री सो महात्मा गांधी ने कहा कि एक बीमारी है सोच की बीमारी है और इसे जब तक नहीं बदला जाएगा ठीक है एजुकेशन इज वन ऑफ द मेन विच कुड हेल्पस टू ट्रांसफॉर्म दिस काइंड ऑफ थिंकिंग नेक्स्ट बात करेंगे पॉइंट जो महात्मा गांधी ने कहा इस कंटेक्सट में गॉड्स ग्रेस एंड रेवलेशन आर द मोनोपोली ऑफ नो रेस और नो नेशन इक्वली अपॉन ऑल है? यहां पर कहीं ना कहीं गॉड <coughs> के कंटेक्स में महात्मा गांधी कह रहे हैं कि भगवान ने हमें सभी को इक्वली बनाया ये हम ही लोग थे जिन्होंने ये दीवारें खड़ी कर दी वी आर द पीपल क्रिएटेड सच काइंड ऑफ Uh, uh, जो ये आइडियोलॉजीज हैं या ऐसी सोच जो है समाज में कहीं ना कहीं ये इंसान की देन है कहीं स्क्रिप्चर्स में ऐसा नहीं लिखा दिस इज महात्मा गांधी से दैट रिलीजन एंड दैट नेशन विल बी ब्लॉटेड आउट फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ विच पिंस इट्स फेद इन इनजस्टिस अन और वायलेंस ठीक है ऐसा धर्म जो है वो किसी काम का है ही नहीं बल्कि एक धब्बे की तरह है जिसमें ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती हो यहां तक महात्मा गांधी ने ये बातें कह दी अबाउट और द पीपल दोज आर कीप ऑन द ग्रेटनेस ऑफ रिलीजन कैन नॉट बी स्केल्ड बट द पीपल एसोसिएट विद इट वो लगातार कोशिश कर रहे करते आए हैं नीचा दिखाने की अपने ही लोगों को तो ये जो है एक बिल्कुल गलत बात है समाज में इस तरीके की इनक्वालिटीज नहीं होनी चाहिए अब एक बात हमें और समझनी है जब ये बातें महात्मा गांधी ने कही हैं इज द सोसाइटी ऑफ दैट टाइम हो सकता है when we are seeing these things right now, तो हमें उतनी नहीं दिखे या जितने कड़े शब्दों में महात्मा गांधी ने अपने विचार रखे वो शायद हमें सही ना लगे यू बिकॉज वी आर प्रैक्टिकली नॉट इन्वॉल्व दैट मच इन सडन कंडीशन बट जस्ट कम जस्ट इमेजिन दिनारी ऑफ दैट टाइम गॉड इट

Which, <coughs> जो उनके जीवन का हिस्सा है ठीक है इट इज क्वाइट इजी बात करना किसी के बारे में सफरिंग से बहुत आसान हो जाता है बट प्रैक्टिकली वेन यू फील दैट ह्यूमिलेशन ठीक है आप पैदा हो रहे हैं आप एक मार्क लग जा रहा है कि यू आर बिलोंग टू लोअर कास्ट एंड सर्टन वर्क यू कैन नॉट डू इन सर्टन एरियाज यू कैन नॉट गो यू कैन नॉट टॉक टू सर्टन पीपल ठीक है और इस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है जैसे कि आप क्या हैं यू आर अ सुपीरियर रेस सॉरी इनफीरियर रेस तो बड़ी ही ये इस तरीके का जो माहौल रहा है इवल ऑफ कास्टिज्म इन सोसाइटी गॉट इट इन ऑर्डर टू दैट आई मे इंडर टू फ्री माई सेल्फ एंड देम फ्रॉम दैट मिजरेबल कंडीशन तो ये महात्मा गांधी यहां पर बड़ी अच्छी कोर्ट यहां पर उन्होंने डिफाइन किया है नेक्स्ट हम बात करेंगे एक और वर्ड्स हैं महात्मा गांधी के आई दैट इफ आई शुड बी बॉर्न अगेन आई शुड डू सो डू सो नॉट एज अ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शुद्रा बट एज एन द टर्म ही ऐसी कंडीशन हो जहां बहुत ही मिजरेबल लाइफ uh, जो लोग जी रहे हैं वैसा मैं अनुभव करना चाहता हूं शायद वो मैं लोगों को देखकर या उनके बारे में लिखकर सोचकर नहीं कर सकता सो आई वॉन्ट टू बॉर्न इन दैट कंडीशन टर्म एंड कंडीशन सो कुड अंडरस्टैंड पेन गांधी जी क्लेम फॉर द अनटचेबल्स इन हिंदू सोसाइटी द राइट टू एंटर हिंदू टेम्पल्स बहुत सी मूवमेंट्स चली हैं सोशल मूवमेंट्स आपकी फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया के टाइम ही जिसमें टेम्पल एंट्री मूवमेंट्स भी थी ठीक है दैट लोअर कास्ट पीपल और अनटचेबल्स वर नॉट अलॉड टू एंटर टेम्पल्स तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही गलत था आज भी बहुत जगहों पर ऐसे देखने को मिलता है गांव में किसी किसी सोशल फंक्शन में ऑल पीपल कैन नॉट गैदर और दीपल ऑफ लोअर कास्ट मिसबिहेवड एक बावड़ी में लोग पानी नहीं पीते हैं ठीक है तो इस तरीके के इश्यू स्टिल एग्जिस्ट इन सोसाइटी कितना पीपल लाइक बी आर अंबेडकर जी ठीक है उन जैसी पर्सनालिटी के साथ इतना, इतना मिसबिहेव हुआ दैट फाइनली डिसाइडेड टू चेंज हिज रिलीजन एंड बुद्धिज्म उन्होंने अपना लिया तो ये जो कमियां हैं हमारी कहीं ना कहीं समाज में रही पहले तो बहुत ही ज्यादा थी हालांकि बहुत चेंजेस आए हैं अगर हम सत्तर अस्सी साल आ, आ, का फ्रदर हम देखें बट स्टिल वी नीड टू गो लॉन्ग वे ऑफ नाउ वेमेन अपलिफ्ट और स्टेटस ऑफ विमेन है ना और जैसे मैंने अनटचेबिलिटी के बारे में बात की है और इसीलिए तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल सेवनटीन इट इज मैंशन डेट देर इज अ प्रोहिबिशन ऑफ अनटचिलिटी एटलीस्ट लीगली तो यह इंश्योर किया गया बहुत अच्छी बात है हालांकि लोगों के दिमाग से जब तक यह चीज नहीं निकलेगी तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है ठीक है सो नेक्स्ट हम बात करेंगे अपलिफ्टमेंट और स्टेटस ऑफ वुमेन सो गांधी जी रोट इन द यंग इंडिया सेवनटीन एंड ट्वेंटी नाइन एज फॉलोज आई एम अनकम्प्राइजिंग इन फेज मैटर ऑफ वुमेन्स राइट्स ठीक है अपोज द एग्जिस्टेड पेट्रिटी इन दोसायटी जो समाज में वुमेन की पोजिशन थी उससे बहुत ज्यादा खुश महात्मा गांधी नहीं थे सोसाइटी देखिए कितना अनफॉर्चुनेट ये बात है इकफेक्ट मैं आपके सामने रखता हूं अराउंड फिफ्टी परसेंट जो रिप्रेजेंटेशन है अगर मैं इंडिया की भी बात करूं तो उसमें फिफ्टी फोर्टी नाइन परसेंट के आसपास जो रिजर्वेशन सॉरी uh, पॉपुलेशन है वो विमेन की पॉपुलेशन है जबकि अगर मैं बात करूं वर्क एक ऐसा काम जो काउंट ही नहीं होता वर्किंग जो घर में महिलाएं हमारी मदर्स बहने काम कर रही हैं मैं उसकी बात नहीं कर रहा वो तो काउंट अनफॉर्चुनेटली किया ही नहीं जाता बट वर्किंग जो विमेन है उसका रेशियो भी बहुत कम है इंडिया में ठीक है तो आप लगा लीजिए कई बार ये सवाल उठाए जाते हैं कि वेस्टर्न नेशन आर मोर डेवेलप

वहां पर ये समस्याएं ज्यादा रही हैं आई शुड ट्रीट द डॉटर एंड सन ऑन फुटिंग ऑफ प्रॉफिट इक्वालिटी दिस इज वट महात्मा गांधी से कि मैं जो हूं मैं दोनों को ही इक्वली बिहेव या इक्वली ट्रीटमेंट देना चाहिए समाज में अनदर इश्यू ऑफ द सेम वीकली ही रिमार्क दैट टू कॉल वुमेन द वीकर सेक्स इज लाइबल ठीक है तो ये जो आपका यंग इंडिया था उसमें ये महात्मा गांधी ने आर्टिकल्स में ये बातें कही थी नेक्स्ट उन्होंने कहा इट इट्स मैन इन जस्टिस टू वेमेन इफ बाय स्ट्रेंथ इज मैन ब्रूट स्ट्रेंथ देन इज वन लेस ब्रूट देन मैन ठीक है कि अगर स्ट्रेंथ को बेस बनाने की बात की देखिए सबसे पहला एक कॉन्सेप्ट हमें यहां समझने की जरूरत है पावर का कॉन्सेप्ट जनरली ये माना गया मैन दे पिट्रिकी वाई पिट्रिकी एग्जिस्टेड इन सोसाइटी बिकॉज फिजिकैलिटी को भी कहीं ना कहीं पावर कॉन्सेप्ट माना गया समाज में समवेयर माइट भी मेल जो है वो फीमेल से थोड़ा फिजिकली स्ट्रांग है लेकिन क्या उसको ही बेसाना बनाना चाहिए पावर्स जब की हम बात करते हैंज ऑफ स्ट्रेंथ वाई देट कैन नॉट बी एडेड इन दिस लिस्ट कंपैशन है इंटॉलरेंस है मैनेजमेंट है लव अफेक्शन है दे आर सो मेनी अदर एरिया ठीक है जहां पर शायद वेमेन जो है फार स्ट्रॉगर देन अ मैन बट उन सभी स्ट्रेंथ के एरिया को काउंट ही नहीं किया जाता या किया गया है अनफॉर्चुनेटली और इसीलिए पिटरिकी एगिस्टेड इन सोसाइटी फॉर सच अग टाइम गॉड इट स्टिल इट इज एग्जिस्टेड तो महात्मा गांधी ने कहा इफ बाय स्ट्रेंथ इज मैन पावर देन विमेन इज इमिजरेबली मैन सुपीरियर हैी नॉट ग्रेटर इंटूशन इफ शी नॉट मोर सेल्फ सेक्रीफाइसिंग हैश नॉट ग्रेटर पावर ऑफ इंडोरेंस हैश ई नॉट ग्रेटर कारज जो भी मैंने आपसे बात की कि जब अगर आप पावर की बात कर रहे हो ना तो पावर का मेजरमेंट क्या है आपका क्या फिजिकल स्ट्रेंथ ही एक मेजर है महिला को जब आप ऑपरचुनिटी दोगे ही नहीं समाज में तो वो कहां अपना इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी कर पाएगी गॉड इट बट इफ वी कंपेयर इन रेस्ट ऑफ द एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ्स

सो ऑफ कोर्स वेमेन जो है उसे एक अपरज मिलेगा अगर आप पूरा हिस्ट्री का डाटा भी पढ़ लेंगे ना तो आप देखेंगे किसी भी बहुत या कोई रेयर ऐसा केस आपको मिलेगा जहां पर पार्टिसिपेशन होगा वायलेंस में बहुत रेयर ऐसे केसेस होंगे ऑलवेज मेन्स एस्पिरेशन एंड मेन्स पार्टिसिपेशन इन द वायलेंस एक्टिविटीज ठीक है सो अगर नॉन वायलेंस फ्यूचर है द वर्ल्ड जो है कहीं ना कहीं विमेन के साथ है विमेन के साथ जुड़ा हुआ है <coughs> नेक्स्ट हम बात करेंगे थोड़ा सा वैदिक पीरियड के कंटेक्स में भी महात्मा गांधी हम कंपेयर करते हैं इन वैदिक टाइम्स इन ऑल वॉक्स लाइफ इंक्लूडिंग द रिलीजियस एंड इंटेलेक्चुअल ठीक है वैदिक पीरियड की हम बात कर रहे हैं, ऋग्वेदा की हम बात कर रहे हैं इट इज रिटर्न जो उस समय की आपकी uh, <coughs> समितियां थी सभा समिति थी ठीक है Organizations the women are equally participated in that all, and the position of women in the society was uh, much better as we uh, see today, more respectable. Got it? Therefore, Gandhiji claims that he was following more ancient authorities than of the later lawgivers. Manu and others saying a tribute to about this Gandhiji says Manu thikai? Manu Sumriti apne. सुना होगा द मनु दैट फॉर वेमेन देर कैन बी नो फ्रीडम इज नॉट टू बी बीस ऐसी जगह जो जहां का सम्मान नहीं है जो वुमेन के लिए सही नहीं है वो जगह पवित्र कभी नहीं हो सकती जहां फ्रीडम ऑफ वेमेन की बात नहीं हो रही चाहे वो एक परिवार हो चाहे द एरिया ऑफ वर्क हम बात करें या एनी अदर प्लेस इन सोसाइटी इट ओनली शोज दैट प्रोबेबली टाइम वेन इट वॉज प्रोमिलेटेड इन स्टेट ऑफ सब्जेगेशन ठीक है so, ये तो, time, वैदिक में अच्छा था बट जैसे पोजिशन थी वेमेन की वो धीरे धीरे खराब होने लग पड़ी जो की फर्दर हिस्ट्री में हम देखते हैं किस तरीके का रहा द एब्रिड यूज इन लिटरेचर टू डिस्क्राइब वाइफ एज अर्धांगिनी ठीक है और अ बेटर हाफ और सबधर्मणी दीज आर टर्म्स विच आर यूज फॉर वुमेन द हजबेंड एड्रेसिंग द वाइफ एस देवी और गॉडेस शो एनी डिसमेंट ठीक है तो दीज आर का लिटरेचर और डिफरेंट स्क्रिप्चर्स बेटर हाफ अर्धांगनी ठीक है इक्वल स्टेटस वो दिया गया बट वो सिर्फ स्क्रिप्चर्स या किताबों में ही कहीं ना कहीं आज <coughs> हम देखते हैं आज तो फिर भी वी कैन से दैट काफी चीजें हो रही हैं बट स्टिल आर डिफरेंट एरियाज अगर आप कहीं गांव में जाते हैं सो so, <coughs> इतना आप देखेंगे कि अ गर्ल और अ वुमेन इज नॉट दैट मच कॉन्फिडेंट नॉट वाइब वर्ड्स बट आल्सो हर ऑल फिजिकलिटी ठीक है जो रिप्रेस है कहीं ना कहीं खुलकर बात करना या खुलकर जीना जिसे हम कह सकते हैं इट्स नॉट पॉसिबल फॉर देम समवेयर देवर फेसिंग सर्टन इशूज जो कि उनको पता भी नहीं है बिकॉज वो तो बचपन से उनके साथ हो रहा है तो उनको लगता है ये तो कानून ही है ये तो नियम ही ऐसा ही शायद के साथ होता है चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे विडो रिमैरिज सो इट इज अनदर इंपॉर्टेंट इशू विच महात्मा गांधी रेज और वन ऑफ द सोशल इवल एग्जिस्टेड इन दैट टाइम ऑफ द सोसाइटी ठीक है इट इज बिलीव अकॉर्डिंग टू मैनी कि शास्त्राज में ये बात लिखी गई है कि विडो की जो है शादी नहीं होनी चाहिए एंड शिव बिकॉज ऑफ दैट कहीं ना कहीं बिकॉज वो नियम जो थे वो कानून थे वो हजारों सालों से चले आ रहे थे ठीक है ना तो जो विमेन है उसका जो लाइफ था स्पेशली विडो होने के बाद और जन जनरली ये देखा गया एट वेरी यंग एज बहुत सी केसेस में ये देखा गया कि एट वेरी यंग एज वो विडो हो जाती थी और देन रेस्ट ऑफ देयर लाइफ दे था साथ ही साथ एक और बहुत बड़ा इशू था क्योंकि आप जा, हम सभी जानते हैं बाल विवाह जैसी भी इशू थी चाइल्ड मैरिज इशूज भी थे एंड मैनी टाइम इट बीन सीन दैट कि जो ब, बच्चे हैं आठ नौ दस ग्यारह साल की उम्र की जो बच्चियां हैं उनकी शादियां करा रहे हैं। 12, hmm. that, उनको यह भी नहीं अभी लाइफ शुरू होने से पहले ही खत्म आप कह लीजिए वट अबाउट देयर ड्रीम्स वर एस्पीरेशन ऑफ देर लाइफ जो शायद समय के साथ डेवेल्प होनी थी या ग्रो होनी थी वो तो शुरुआत होने से पहले ही खत्म हो गई ठीक है इस कंटेक्स में एक बड़ी अच्छी फिल्म है वाटर फिल्म है जरूर देखिएगा इट इज ऑन बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है विडो रिमैरिज का ही है उसमें कि विडो आश्रम में किस तरीके से महिलाएं रहती हैं या देर वॉज अ गर्ल हु गॉट मैरिड एट द एज ऑफ आई थिंक नाइन और टेन इवन शी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मैरिज उसे बस इतना पता है कि जी लड्डू मिल रहे हैं तो चलो शादी में लड्डू मिलते हैं और जिससे शादी हुई वो तकरीबन 60 70 साल की उम्र का कोई व्यक्ति होगा हु डाइड सून एंड आफ्टर दैट शी सेंड टू द किसी जो विधवा आश्रम है वहां पर उसे छोड़ दिया जाता है अ काइंड ऑफ थिंग्स पोट्रे किया है तो जरूर देखिएगा समझ समझ पाएंगे आप सिनेरियो को बहुत अच्छे तरीके से ही सेज दैट वी क्राई आउट द काऊ प्रोटेक्शन इन द नेम ऑफ रिलीजन बट वी रिफ्यूज प्रोटेक्शन ह्यूमन इन शेप ऑफ गर्ल विडो नाउ हियर महात्मा गांधी जी कंपेयर अ गर्ल विडो विद अ ठीक है तो कहीं ना कहीं हाईलाइट महात्मा गांधी यहां पर करना चाह रहे हैं कि जो क्वालिटीज हैं एक गाय में कंपैशन की या <coughs> इस तरीके की जो वैल्यूज हैं उससे कहीं ना कहीं महात्मा गांधी कंपेयर कर रहे हैं तो हम एक गाओ गा, गाय की प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं लेकिन सर्टन जो इवल्स हैं वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग अबाउट दीज थिंग्स जो कि होना चाहिए वी वुड रीसेंट फोर्स इन रिलीजन बट इन द नेम ऑफ रिलीजन वी फोर्स विडोहुड अपॉन widows गर्ल विडोज not अंडरस्टैंड द import ऑफ द मैरिज सेरेमनी जो मैंने अभी बात की उन्हें खुद अभी तक यही नहीं पता नौ दस साल के बच्चों को क्या पता होता है कि मैरिज का मतलब क्या है ठीक है एट दैट यंग एज उससे भी पहले कई बार तो जन्म होते ही बच्चों की शादियां कर दी जाती थी सो इट क्वाइट वी वुड डिक्लेयर दैट दीज नेवर रिलीजियस रिलीजियसली मैरिड देर इज नो वारंट इन एनी शास्त्रा फॉर सच विडो हड यहां महात्मा गांधी ने देके कहा कि वास्तव में कहीं भी नहीं लिखा शास्त्रा में कहीं ये बात नहीं लिखी ठीक है बट अनफॉर्चुनेटली स्टिल काइंड ऑफ रिलीजन एग्जिस्टेड इन रिलीजन का टॉपिक आपको पढ़ाया था जिसमें मैंने ये बात कही थी कि महात्मा गांधी ने कहा कि भाई जो लोग ये कहते हैं ना कि राजनीति से धर्म को अलग कर देना चाहिए रिलीजन शुड शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स इवन दे डोंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ रिलीजन सेम इन द केस ऑफ योज आर टॉकिंग अबाउट सर्टन थिंग नेम ऑफ रिलीजन दैट सर्टन थिंग्स मैंशन इन इस्लाम और इन हिंदुइज और एनी फ्रदर रिलीजन इवन दे डोंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ रिलीजन फर्स्ट ठीक है रिलीजन इज बेसिकली कंपैशन की बात करता है लव एफेक्शन की बात करता है ठीक है बात करता है एसेंस ऑफ लाइफ की ना इस तरीके की लाइफ को मिजरेबल बनाने की चलिए ये महात्मा गांधी जी की विचारधारा थी इफ वी प्योर इफ वी वुड ठीक है इट्स लाइक पॉइजन ये महात्मा गांधी ने कहा <coughs> और यहां एक और महात्मा गांधी पॉइंट आउट करते हैं बात को कि ये जो रिफॉर्म है ना इसमें सबसे बड़ी जो भूमिका होनी चाहिए उन महिलाओं की ही होनी चाहिए ठीक है विडो जो है उनको कहीं ना कहीं इसमें करेज दिखा के आगे बढ़ना चाहिए और इस पर बात करनी चाहिए अपोज करना चाहिए अब जनरली क्या होता है कि दे आर सर्टन वेमेन जिनके साथ सारी चीजें गलत हुई बट जो फ्रदर जनरेशन में नई वेमेन्स आ रही हैं या विडोज हैं उनको भी इवन जो हैं रिप्रेस कर रही हैं, सप्रेस कर रही हैं कि भाई ये नियम है ऐसा ही होता है हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है आपके साथ भी ऐसा ही होगा सो समवेयर दे नीड टू हैव टू शो दीस्ट कि भाई हम सा, हम, हम लोगों के साथ जो गलत हुआ फ्रदर इनके साथ नहीं होना चाहिए तो ऐसा बहुत सिनारियों देखने को मिला स्पेशल इन दैट टाइम आज तो चलिए बहुत बेटर कंडीशन है आज तो हालात इवन द गवर्नमेंट जो है इवन द सोसाइटी अप्रिशिएट डो रिमैरिजिस को तो ये एक कह सकते हैं कि पॉजिटिव एस्पेक्ट है क्योंकि समय के साथ परिवर्तन आए हैं नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑन डाउरी सिस्टम सो गांधी जी वॉज अगेंस्ट द डाउरी सिस्टम फॉर मिडिल एंड पुअर क्लासेस ठीक है उनका उन्होंने कहा इट्स लाइक अ नाइट देम ठीक है डाउरी जो है इट्स लाइक नाइट मे फॉर देम देर वॉज अ ज्वाय ऑन द बर्थ ऑफ अ मेल चाइल्ड देर वॉज एक्सप्रेस अ साइलेंट मॉर्निंग ऑन द बर्थ ऑफ अ फीमेल चाइल्ड सो इट इज ये तो हम सभी जानते हैं जनरली अब तो थोड़ा कह सकते हैं आजकल इतना नहीं ये चीजें हैं लेकिन अभी भी ऐसे एरियाज में जहां पर थोड़ा सा बैकवर्डनेस है वहां पर अभी भी इस तरीके की मेंटालिटी है कि जब कोई लड़के का जन्म होता है तो बड़ी खुशियां मनाई जाती हैं जब लड़की का जन्म होता है सो भले ही मुंह से कुछ ना कहें समवेयर इंटरनली नॉट दैट हैप्पी ठीक है सो ये महात्मा गांधी ने कहा

रिप्रेजेंटेशन है so, uh, आपके पॉपुलेशन में वो महिलाओं का भी तो है ना तो हर तरीके की जो लाइफ का डेवलपमेंट है उसमें उतनी हिस्सेदारी भी तो होनी चाहिए ठीक है सो so, समवेयर इस तरीके की जो चीजें हैं अनफॉर्चुनेटली बहुत कम है एड्रेसिंग अ अमेन्स मीटिंग ही सैड इफ आई वॉज बॉर्न वुमेन आई वुड राइज इन रेबिलियन अगेंस्ट एनी प्रिटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ मैन ट वेमेन इज बॉर्न टू बी हिज प्ले थिंग ठीक है कि अगर मैं एक महिला की तरह में पैदा हूं तो मैं रिबिलियस नेचर रखूंगा और आई विल अपोज आई डिस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द मेल ठीक है कि मैं सिर्फ उसका कोई खिलौना या ऑब्जेक्ट नहीं हूं जो उसे खुश करने के लिए हमेशा लगी रहूं यह महात्मा गांधी ने कहा आई हैव मेंटली बिकम वेमेन इन ऑर्डर टू स्टील इन टू हर हार्ट ये बड़ी बात यह महात्मा गांधी कहते हैं कि इन ऑर्डर टू वन द हार्ट ऑफ योर बेटर हाफ यू नीड टू बी बिहेव अकॉर्डिंग टू आपको एक महिला बनना मेंटली बनना पड़ेगा तभी आप वो समझ पाएंगे या रिस्पेक्ट कर पाएंगे द इमोशन ऑफ अदर्स रिफ्यूज टू बी द स्लेव ऑफ योर ऑन विम्स एंड फेंसेज एंड द स्लेव ऑफ मैन रिफ्यूज टू डेकोरेट योर सेल्स एंड डोट गो इन फॉर सेंट्स एंड लेवेंडर वाटर्स हेयर महात्मा गांधी अगेन की जो हमारा कल्चर में कल्चर का नाम दे दिया कहीं जाता है एक होती है आपकी च्वाइस ठीक है मेकअप करना परफ्यूम लगाना ये तमाम चीजें अपने लिए कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है बट इफ यू आर डूइंग फॉर जस्ट फॉर प्लीज योर हसबेंड तो वो फिर वो बात सही नहीं है महात्मा गांधी यहां कहते हैं रिफ्यूज कीजिए इन तमाम चीजों को आपकी जो पोजीशन है यू आर नॉट बोर्न जस्ट टू प्लीज अ पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू यू हैव अ डिग्निफाइड लाइफ आप एक अलग एंटिटी हैं और आपकी जो आइडेंटिटी है उसको बनाएं, उसको एक अच्छे तरीके से लाइफ में जिए दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ठीक है एंड इट इज योर बर्थ राइट

इंटॉक्सेंट एलिमेंट तो अपोज किया है महात्मा गांधी ने गांधी जी वॉन्टेड गांधी जी वॉन्टेड इंडिया टू बी फ्री फ्रॉम द इवल ऑफ द यूज ऑफ इंटॉक्सेंट ड्रिंक्स एंड ड्रग्स ऑलवेज इम्फोसाइज इट वॉज मेड एज टू बाय डिड गांधी इंसिस्ट ऑन प्रोहिबिशन बाय लॉ लॉ द्वारा प्रोहिबिशन होना चाहिए महात्मा गांधी ने कहा कि भाई इट इज नॉट अमेरिका टू होल्ड बोटल इन यूर हैंड एंड वॉकिंग अराउंड आउटसाइड योर हाउस इट माइट बी द कल्चर ऑफ अमेरिका बिकॉज वहां ये एक्सेप्ट है चीजें बट इंडिया में कहीं ना कहीं इनको प्रमोट नहीं करना चाहिए जस्ट ऑन द नेम ऑफ दिस दन है राइट टू लिव विद फ्रीडम एंड इक्वेलिटी ठीक है बहुत से अच्छी बातें हैं जिनमें आप ये इंप्लीमेंट कर सकते हैं बट नॉट बाई प्रमोटिंग द इंटॉक्सियंट एलिमेंट इवन गवर्नमेंट जो है सख्त एक्शन इसके खिलाफ ले। लेट <coughs> तरी मैंने अमेरिका की बात कर ली गांधी जी सेज इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज प्रोहिबिशन एज इजी टू कैरी आउट इन इंडिया फॉर विद इट इज ओनली अ माइनॉरिटी दैट ड्रिंक्स यहां भी महात्मा गांधी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है समाज का हर को, कोई जो तबका है वो ड्रिंक करता हो बहुत सी बहुत कम माइनॉरिटी ही में लोग होंगे जो हैव अ हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग बट और देर नंबर ऑफ पीपल जिनको ये भी नहीं पता कि ड्रिंक्स हैं क्या गॉट इट सो उस पर प्रोहिबिशन लगाया जा सकता है ड्रिंकिंग इज जनरली कंसीडर डिसरिस्पेक्टेबल एंड देर आर मिलियंस, आई बिलीव हुट ड्रिंक इज तो ये भी बात सही है आज भी कह सकते हैं नंबर ऑफ पीपल जो नहीं ड्रिंक करते हैं या इंटॉक्सिन चीजों से दूरी बना के रखे हुए हैं तो महात्मा गांधी ने कहा कि इनको प्रमोट किसी तरीके से समाज में ना करें एक की तरह ही देखा जाए ताकि क्या है जितनी ज्यादा कमी हो सकती है समाज में हो इवन गवर्नमेंट जो है वो भी कोशिश करे अब ये एक सवाल उठता है कि भाई सरकार है ना सरकार इसलिए भी बैन नहीं लगाती बिकॉज रेवेन्यू जनरेशन में इट, इट प्लेड अ की रोल

इट विल गिव अ वेरी बैड इम्पैक्ट नॉट ओनली इंडिविजुअल हेल्थ बट आल्सो डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ जर्नली देखा गया है जिन लोगों में नशे की ज्यादा लत होती है ना उन्हीं की जो सोशल लाइफ है वो खराब होती है फैमिली में झगड़े होना या जहां काम कर रहे हैं वहां कोई सही रूटीन ना होना इस तरीके की प्रॉब्लम जर्नली देखी गई हैं गो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है महात्मा गांधी कहा कि इवन स्टेट कम फॉरवर्ड थोड़ा नुकसान उठा लेकिन चीजों पर बैन लगानी चाहिए और अंडर आर्टिकल अगर मैं बात करूं डायरेक्टर प्रिंसिपल्स द्र, द्र, में ये मेंशन है आपके आ, आ, इन टॉक्सिन जो एलिमेंट्स हैं उन पर बैन लगना चाहिए और ये गांधी जो आइडिया हैं वहीं से लिया गया है पेरेंट जो मैंने अभी बात आपसे की ठीक है सो दीज आर थिंग्स अबाउट महात्मा गांधी इंफोसाइज द लॉट नेक्स्ट जो है आपका ऑन वर्ना कास्ट या वर्ना जो सिस्टम था उस पर महात्मा गांधी ने क्या कहा द लॉ ऑफ वर्णा द लॉ ऑफ द लॉ ऑफ वर्ना प्रिस्क्राइब अ पर्सन शुड शुड फॉर हिज लिविंग फॉलो द लॉफुल ऑक्युपेशन ऑफ हिज फोर फादर्स बट द वास्ट मेजोरिटी ऑफ द मैन अनविटिंगली फॉलो द देरिडरी ऑक्यूपेशन ऑफ देयर फोर फादर्स ठीक है कि वर्णा सिस्टम में यही था ना कि भाई वर्णाज एंड क्षत्रिया जो है वैश्याज हैं ब्राह्मण हैं एंड शूद्राज तो जनरली जब ये हो गया तो ब्राह्मण का जो बेटा है बेटी है वो ब्राह्मण होगा क्षत्रिया के जो आगे हैं बच्चे वो क्षत्रियाज होंगे सेम इन द केस ऑफ अदर वर्णाज बट क्या किसी ने ये सवाल पूछा कभी इतिहास में वट एग्जैक्टली देयर विश ट हैव अपेबिलिटी टू बिकम अ सोल्जर एंड आई है डिफरेंट स्ट्रेंथ अगर मेरे में शिक्षक बनने की क्षमता है और मैं क्षत्रिय वर्ग में पैदा हुआ हूं तो क्या फिर मुझे फ्रीडम नहीं होना चाहिए इस पर तो कभी कोई सवाल ही नहीं उठाया गया इस पर तो कभी कोई बात ही नहीं की गई अनफॉर्चुनेटली तो यह महात्मा गांधी ने कहा यह एक ड्रॉबैक रहा इंडियन सोसाइटी का इट फॉलोज दैट ही मस्ट नॉट डिवोट चीफ पार्ट ऑफ इज लाइफ

एक जो फ्रीडम की जो बात होती है फ्रीडम ऑफ चॉइस की क्या वो एग्जिस्ट रही तो आंसर इज नो बिल्कुल नहीं इन दिस कंसेप्शन ऑफ द लॉ वर्ना नो वन इज सुपीरियर टू एनी अदर ऑल आर इक्वल एंड ऑनरेबल इन सो फार एस दे आर नॉट इन कॉन्फ्लिक्ट विद मॉरल्स प्राइवेट और पब्लिक बड़ी बात महात्मा गांधी यहां कहते हैं कि दैट डिफरेंट ऑक्युपेशन ब्राह्मीस का जो काम है क्षत्रिया का काम है वाई दीज वर्क आर मोर रिस्पेक्टेड ऑक्यूपेशन तो सभी बराबर ही है ना काम तो काम ही होता है किसी का अगर कोई झाड़ू लगाने का काम है या किसी का देश को चलाने का काम है तो काम ही गॉट इट सो एवरी वर्क शुड बी इक्वली रिस्पेक्टेड इवन महात्मा गांधी इफ यू रिमेंबर लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था ब्रेड लेबर की इंपॉर्टेंस महात्मा गांधी ने क्या कहा कि भाई जो लोग वर्कर्स हैं artisans हैं फार्मर्स हैं इनका जो काम है सबसे ज्यादा वर्ड लिविंग है सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेबल जो काम है मेहनत वाला काम है वो यही है ठीक है तो कहीं ना कहीं यहां पे इक्वालिटी का जो आइडिया है उस पर इंफोसाइज महात्मा गांधी कर रहे हैं और जब तक ये लोगों के मन में बदलाव नहीं आएंगे चाहे जितने मर्जी कानून बन जाए ठीक है इसमें बहुत ज्यादा विकास डेवलपमेंट नहीं हो सकता है ऑल राइट गांधी जी ओपिनियन द लॉ वर्ना अलोन मेक्स लाइफ लिवेबल बाय ऑल And restores to ambition the only object worthy of it, namely self realization. So, there shall be a Varna system in society, there is nothing wrong, but when all professions are equally respectable and there shall be a flexibility to choose or adopt any occupation of one's choice, it should not be hereditary that I have born, my father was a Kshatriya, so I have to follow that profession. आई डोट हैव इंट्रस्ट और मेरे में वो क्षमता नहीं है तो यह बहुत अच्छा है कि मैं अपनी स्किल के अकॉर्डिंग काम करूं गॉड इट सो दीज अ काइंड ऑफ थिंग्स स्टिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है फोकस कर, कर रही है इन चीजों पर सो so दैट एक बड़ा देश बेहतर देश हम बना सके नेक्स्ट <coughs> है ऑन काउ प्रोटेक्शन सो गाय जो है काउ है इट इज अ सिंबल ऑफ प्योरिटी और uh, बहुत ही रिस्पेक्टेबल जो पोजीशन है सम्मान दिया जाता है हिंदू धर्म में वर्शिप की जाती है ही सेड वाज़ अ यूनिक कंट्रीब्यूशन ऑफ हिंदुजम टू द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमैनिटी ह्यूमैनिटेरियनिज्म बड़ी बात यहां महात्मा गांधी ने कही इट इज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द बिलीफ इन द वननेस एंड देर फोर सैक्रेडनेस ऑफ ऑल लाइफ द ग्रेट बिलीफ इन ट्रांसमिगेशन इज डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ द बिलीफ जो विश्वास है ना वो बहुत बड़ी चीज होती है और किसी चीज में आपका पॉजिटिव अगरंगीक है स्पेशली इफ यू रिमेम्बर फ्यू इस बैक वेन द इशू ऑफ बीफ मैन जो था बहुत गर्मा गया था ठीक है तो यही बात फिर भी निकल कर आई थी कि कि किसी एक कम्युनिटी की भावना से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं अदर कम्युनिटीज वेदर मेजोरिटी में है माइनॉरिटी में है दे हैव टू रिस्पेक्ट द इमोशंस ऑफ अदर्स इफ इज़ सेक्रेड इन इंडिया सो अदर कम्युनिटी शुड रिस्पेक्ट दैट इफ देर सर्टन एनिमल्स आर सेक्रेड और इस तरीके से सिंबल है सो इवन द मेजोरिटी क्लास और द हिंदुजम और हिंदू कम्युनिटी शुड रिस्पेक्ट दैट ऑल उनका भी सम्मान होना चाहिए तो यह बड़ी बात यहां महात्मा गांधी ने कही स्पेशली इन टर्म्स ऑफ काउ तो उसके बारे में भी कुछ महात्मा गांधी बात करते हैं क्यों गाय इंपॉर्टेंट है देखिए एक और बात समझनी होगी इफ यू आर लिविंग इन अर्बन एरिया और आपको पता ही नहीं है गाय की इंपॉर्टेंस तो आपको समझना होगा आ, महात्मा गांधी ये बातें तब कह रहे हैं जब ज्यादातर अर्बनाइजेशन नहीं हुआ था और हर घर में जो गाय है वो होती थी और वो जो गाय का रोल है काव का रोल है लाइफ में नॉट फ्रॉम रिलीजियस बट आल्सो फ्रॉम सोशल एंड इकोनॉमिक परस्पेक्टिव ठीक है उसी गाय के दूध से घर का जो है आजीविका उनकी चल रही है कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली हेल्प मदद मिल रही है तो यह भी आपको समझना होगा इट इट वन ऑफ द रीजन दैट काउ इज रिस्पेक्टेड सो और मदर्स गिव अस मिल्क फॉर अ कपल ऑफ इयर्स

बट ग्रास एंड ग्रेन ओनली ग्रास एंड ग्रेन इसके बाद महात्मा गांधी कहते हैं अर मदर ऑफन फॉल्स इल एंड सर्विस फ्रॉम बट मदर काउ रेयरली फॉल्स इल, ठीक है तो कंपेयर महात्मा गांधी मदर के साथ गाय का कर रहे हैं और उसकी जो इंपॉर्टेंस है हिंदू समाज में स्पेशली या इंडिया में हम कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा रही है और कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 48 भी ये मेंशन किया गया है ना कि जो कैटल्स हैं आपके ड्राउट कैटल्स हैं या मिल्च जो आपके हैं दैट शुड नॉट बी स्लॉटर्ड और स्मगल प्रोहिबिशन है इन चीजों पे गॉट इट सो दीज ऑल अबाउट महात्मा गांधी का प्रोटेक्शन होनी चाहिए समाज में इम्फेसाइज किया और कहीं ना कहीं स्टिल द नंबर ऑफ लॉज हैव बीन पास्ड और कहीं ना कहीं सोशली भी अगर बात करें तो ये चीज एक्सेप्ट है समाज में ठीक है हालांकि समवेर सर्टन इश्यूज हैव बीन हो जाते हैं कम्युनिज्म के झगड़े हो जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑल बट स्टिल ये जो महात्मा गांधी ने बातें कही हैं इनका अपना ही एक रेलिवेंस है आज के कंटेक्सट में भी गॉड इट सो हियर वी कंप्लीट टूडेज लेक्चर आज हम यहां पे खत्म कर रहे हैं द आइडियाज